पृथ्व्या सर्वणां शब्दरूपाणि संस्कृत कक्षा खष्ट अहम कृष्णानंद झा की आज हम आपको आप लोगों को परीक्षा में प्रयोग आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का संभावित प्रश्न बता रहे हैं। संभावित प्रश्न मतलब हुआ कि इससे मिला जुला कुछ कुछ प्रश्न आएंगे। मान लीजिए यहाँ पर पठती है और आपको बोल देंगे कौन पुरुष में आता है और आपको चार ऑप्शन रहेगा। इस तरह रहेगा, यहाँ पर लट रहेगा, दूसरा में लंग रहेगा, तीसरा में लिट रहेगा, चौथा में लोट रहेगा। अब आपको हमको बताइए ये पठती जो है ये कौन लकार में आता है। तो ये आता है लट लकार में, तो इसमें हम चीज लगाएंगे लट लकार में आता है। अगर मान लीजिए पठिष्यति है यहाँ पर दिखा होगा, तो पठिष्यति कौन लकार में आता है, तो पठिष्यति लृट लकार में आएगा। इसको अच्छा से देख लीजिए। अगर मान लीजिए तीसरा प्रश्न आपके सामने हम रखते हैं, अगर मान लीजिए पठता यहाँ पर है, आपको बोला जाएगा ये कौन पुरुष में आता है, तो ये प्रथम पुरुष में आता है। ये कौन पुरुष में आता है, प्रथम पुरुष में आता है, ये प्रथम पुरुष में इसका प्रयोग किया जाता है द्विवचन में पठती पठता लट लगा के प्रथम पुरुष के द्विवचन में इसका रूप होता है। अब हम आपको कुछ धातु बता दिए, अब हम आपको शब्द रूप बताने जा रहे हैं। शब्द रूप में अगर मान लीजिए आपको देवाय दे दे, देवाय क्या दे दे, देवाय, देवाय ये कौन विभक्ति है, तो चतुर्थी विभक्ति है। ये देवाय कौन विभक्ति है, चतुर्थी। रामाय कौन विभक्ति हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा, चतुर्थी रामाय की चतुर्थी हो जाएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर देखिए लते लते लता लते लता लताम लते लता लते है, ये कौन विभक्ति में आता है, प्रथमा विभक्ति में आता है या द्वितीय विभक्ति में आता है, प्रथमा या द्वितीय में आप इसको टिक लगा दीजिएगा। ऑप्शन में एक ही रहेगा, प्रथमा रहे या द्वितीय रहे, तो द्वितीय रहेगा तो द्वितीय में टिक लगा दीजिएगा, प्रथमा रहेगा तो प्रथमा में टिक लगा दीजिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर फलस्य लिखा है, तो फलस्य कौन विभक्ति में आता है, खष्टी विभक्ति में आता है। कौन विभक्ति में प्राप्त आता है, खष्टी विभक्ति में आता है। अब आप मान लीजिए सह यह तत् रूप है या एतद है या आपको अयम है, ये क्या है, तत्पूर्ण सब मूल रूप क्या है, तत् है, तो इसमें टिक लगाएंगे। साका भी रहेगा तो तत्वलिंग लगाएंगे, साका भी रहेगा तो तत्वलिंग लगाएंगे, और तत्का भी रहेगा तो तत्व में ही लगाएंगे। इस तरह तत्व में ही टिक लगाएंगे, क्योंकि तत्व शब्द से तीन निकला है, पुलिंग के लिए सा, स्त्रीलिंग के लिए सा और नपुंसक लिंग के लिए तत्। अगर मान लीजिए आप एक बार और देख लीजिए, इसको हम मिटाते हैं और दूसरा मत को बताते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको लिखा रहेगा अयम इदम, इदम शब्द देख लीजिए, इदम से पुलिंग के लिए अयम है, अयम इमौ इमे, स्त्रीलिंग के लिए क्या हो जाएगा, इयम इमे इमौ। ये एक वचन में है, ये द्विवचन में है, ये बहुवचन में है। और नपुंसक के लिए क्या हो जाएगा, इदम इमे इमामी, इमामी, इदम इमे इमामी, ये नपुंसक लिंग के लिए हो जाएगा। उसी तरह एतद में, एतद, एतद में क्या हो जाएगा पुल्लिंग के लिए, एषः एतौ एते, स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, एषः एते एता, नपुंसक में क्या हो जाएगा, एतत एतत एते एतानि,
ये हो गया आपको पुलिंग में, ये हो गया स्त्रीलिंग में, ये हो गया नपुंसकलिंग में। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो हमारा मोबाइल नंबर ले लीजिए और सुबह में नहीं फोन कीजिएगा शाम में कीजिएगा 78 70 97 72 84। आप हमसे बात भी कर सकते हैं और कहीं भी दिक्कत हो वीडियो में कमेंट करके पूछिए। धन्यवाद।